साथियों, ये है दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का, उसी के लिए हमने दृष्टि आईएएस का एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाया है। आपको बता दें, आज की हमारी ये टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसमें जितने भी प्रश्न हैं सब के सब हिस्ट्री के प्रश्न हैं। आप सोच कर देखिए, आपको कोई ऐसी बेहतरीन संस्था का टेस्ट सीरीज मिल जाए जिसमें 150 प्रश्न हैं और सभी के सभी प्रश्न हिस्ट्री के हों, चाहे मॉडर्न, एंशियंट, मेडिवल सब मिलाकर। आप सोच कर देखिए, 150 प्रश्न जो सभी के सभी हिस्ट्री से हैं, तो ये 150 प्रश्न आपको हिस्ट्री के हर एक टॉपिक से परिचित करवा देंगे, ये परिचय करवा देंगे, आपको ये आभास करवा देंगे कि किस कोने से प्रश्न बनते हैं, किस लेवल का प्रश्न बनता है, एग्ज़ाम में किस कोने से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि साथियों, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन हमें ये जब पता हो जाता है कि हमें छोड़ना क्या है, तो हमारे लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाता है। तो आपको ये हर एक टॉपिक टच करा देगा जहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और ख़ास बात ये है इस टेस्ट सीरीज में, इसमें जितने के जितने प्रश्न हैं सब के सब इस आधार पर बनाए गए हैं जो विभिन्न कमीशन्स में एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हिस्ट्री के। एक तो वो प्रश्न डाला गया है और दूसरा वो टाइप का प्रश्न डाला गया है जो हमेशा प्रश्न बनते हैं, नए किस टाइप के नए प्रश्न बनाए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके आधार पर नया प्रश्न डाला गया है जिसके आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो साथियों, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, इसको आप मिस न करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट सीख कर जाएंगे। और आपसे एक ही विनती करता हूँ साथियों, अगर आप हमारा थोड़ा सा भी हमारी मेहनत का आपको अगर एहसास हो कि हमने आपके लिए कुछ बेहतर किया है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करके हमारा सपोर्ट करने के लिए ज़रूर कहें। क्योंकि साथियों, आपका अगर सपोर्ट आता है तो उससे हमें बहुत बड़ा मनोबल हमारा बढ़ता है, कुछ अच्छा करने का, बेहतर करने का, कुछ बड़ा करने का हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा उत्साह बनाए रखेंगे। तो साथियों, चलते हैं हम। और हाँ, इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देख लिया था जो मॉडर्न हिस्ट्री से थे, हमारी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था जिसके कारण हमने रोक दिया था, इसी को हमने पार्ट 2 में किया है। तो पार्ट 2 में हमने प्रश्न संख्या 51 से शुरू किया है और जहां तक इसके प्रश्न हैं। तो साथियों, चलते हैं हम लोग इसके पार्ट 2 में, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। बहुत बढ़िया। तो साथियों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिया था कि कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। तो मैंने बताया था ये सुरेंद्र बनर्जी थे। आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ तक मैंने बहुत बढ़िया से बताया है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अपना शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है बुर्ज होम पुरातत्व स्थल। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में यह पूछा गया है। बुर्ज होम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है, यह स्थल कहाँ है? तो साथियों, इस प्रश्न को सीधा सीधा ये हमसे पूछना चाह रहा है कि एक बुर्ज होम पूरा स्थल है जहाँ से नवपाषाण युग के हड्डी से बने हुए औजार मिले हैं, ये कहाँ पर है बुर्ज होम पूरा स्थल? तो साथियों, ये बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग देखते हैं। देखें, 52 वाले हमसे पूछ रहा है कि चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन है। आपको मालूम है चार वेद हैं हमारे जो है, और उन चारों वेदों में सबसे बड़ा जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिनमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसी के साथ 10 मंडल और 128 सूक्त के साथ सबसे बड़ा ऋग्वेद है वेदों में। और इसमें हमसे पूछ रहा है सबसे लघु यानी सबसे छोटा वेद कौन है। तो सबसे छोटा वेद मेरे भाई सामवेद है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया। देखें 53 में हमसे क्या जानकारी मांगना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी। तो किस पाषाण युग के लोगों में, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल युग या नव पाषाण युग या इनमें से कोई नहीं, तो किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो साथियों, मध्य पाषाण काल युग के लोगों में चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी, ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? ये जो मध्य प्रदेश का भीमबेटका है और उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी जो मिर्ज़ापुर वगैरह जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो चित्र बने मिले हैं, तो वहाँ से ये जानकारी हमें मिली
कि मध्य पाषाण युग के लोग जो है चित्रकला के बहुत बड़े प्रेमी थे। आगे बढ़े देखें 54 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं था। तो आपको बता दें मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों जो है कुकुर बिलार ऊँट गधा यानी जो पालतू टाइप के पशु थे इनके बारे में जानकारी थी, लेकिन जो जंगली जीव थे ज़्यादातर उनके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो ये जो शेर है ऑप्शन नंबर डी, इसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी, जबकि बिल्ली गधा ऊँट कुत्ता इन सब बारे में उनको जानकारी था। तो आपको ये देखना होगा, प्रश्न अच्छे से पढ़ना होगा कि हमें पूछ रहा है जानकारी नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई ये नहीं पर जो जोर आप लोग जरूर दिया करिए, जहाँ आपको नहीं दिखे तो वहाँ आप लोग इसे मार्किंग जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो आप आता हुआ प्रश्न गलत करके आएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसमें आपको कई सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे प्रश्न इसी से बनाए गए हैं, थोड़ा सा उलट पुलट कर। क्या कह रहा है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो मेरे भाई इसके लिए मैं आपको छोटा सा मैप बता दे रहा हूँ, आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। आप ऐसे एक मैप बना लीजिएगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो आपको बता दें कि ये उत्तर में ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांडा तक था। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, तो J&K। और पूर्व में कहाँ तक था, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, आलमगीरपुर तक था। और ये दक्षिण में कहाँ था, महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। और ये पश्चिम में कहाँ तक था, ये पाकिस्तान और ईरान का एक बॉर्डर है जिसका नाम है सुतका गेंडोर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सुतका गेंडोर, तो यहाँ तक था। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ यहाँ गलती क्या की है, आपसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो सबसे उत्तरी मैंने अभी बताया मांडा, ये तो सही है, सबसे दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है, और सबसे पश्चिम में यहाँ लिखा है सुरकोटदा, सुरकोटदा मेरे भाई गुजरात में है, ये तो गलत लिख दिया है। इसी से मिलता जुलता एक नाम है पाकिस्तान और ईरान के सीमा पर, सुतका गेंडोर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सुतका गेंडोर, तो ये है पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पर, पश्चिम में यहाँ तक था, तो ये गलत लिख दिया। और सबसे पूर्वी में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, ये भी सही है। तो लेकिन हमसे गलत पूछा है, तो गलत हमारा सी है, तो सी हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चले हम लोग 56 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है। लोथल कहाँ है मेरे भाई, गुजरात में है, तो लोथल के संबंध में कौन सा सही नहीं है यही बताना है। तो लोथल आपको बता दें मेरे भाई, यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था, ये तो सही है, गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था यानी बंदरगाह, तो ये सही है। लेकिन हमें गलत बताना है, पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया था, ये भी सही है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, मेरे भाई गलत, यही गलत है, और हमसे गलत की जानकारी मांगा है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, क्योंकि प्राकृतिक नहीं है, ईंट से बना हुआ एक कृत्रिम बंदरगाह था, कृत्रिम मानव निर्मित, तो यहाँ कोई नगर या दुर्ग नहीं था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पर कोई नगर और दुर्ग नहीं था, तो लोथल में, तो ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन प्रश्न के हिसाब से हमारा उत्तर सी होगा, क्योंकि यही गलत है। आगे बढ़ जाए हम लोग 57 मेरे भाई क्या है, पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको यहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे सर, उदाइन या अजातशत्रु, जैसे आप कंफ्यूज होते हैं ना, कुतुब मीनार किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो उसकी नींव रखा था और फिर मर गया, तो उसका पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया। तो उसी प्रकार इसका जो है संस्थापक तो वही माना जाता है जो नींव रखता है, तो पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण वो अजातशत्रु ने करवाया, अजातशत्रु ने नींव रखा, लेकिन जब वो मर गया तो उसका बेटवा उदाइन ने उसको पूरा करवाया, लेकिन यहाँ पर उत्तर अजातशत्रु ने हुआ, क्योंकि नींव इसी ने रखा था। देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 क्या पूछा जा रहा है, इसमें बहुत बढ़िया प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकापियम के संबंध में सही नहीं है। तोलकापियम के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो साथियों
ये बता दें, यह एक तमिल तोलकापियम एक तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है। ये तो सही बात है, हमारा 58 वाला ये तो सही है। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। नहीं मेरे भाई, आप लोग इसको अगर पढ़ेंगे तोलकापियम, तो इसी से जो ये तमिल का सबसे प्राचीन साहित्य है, तो इसकी रचना जो किए थे तोलकापियार, इसी से मिलता जुलता नाम है तोलकापियार। तोलकापियार तो यही इनका किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा, इंगालो आदिगल नहीं किया था। तो यही हमारा पूछा है कौन सा गलत है, तो यही गलत है बी वाला, और बाकी सब अपने अपने जगह पर सही हैं। यह तमिल व्याकरण की रचना है, यह संगम काल में राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी देता है। ये सब सही है तोलकापियम के बारे में, लेकिन यही गलत था बी वाला। आगे बढ़े हम लोग 59। देखें इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है। गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, यही हमें बताना है, सही नहीं है। तो पहले हम बता दें, ए वाला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो कह रहा है चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। यस, जो गुप्त काल में चांदी के सिक्के होते थे उनको रूपक कहा जाता था, या रूपक लिख दिया है, रूपक। और सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था गुप्त काल में। ये दोनों बातें सही हैं। अब ये सी वाला क्या कह रहा है, सी वाला कह रहा है गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। मेरे भाई ये गलत है, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के जारी किए वो बहुत बड़े मात्रा में किए गए, लेकिन उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। उनकी गुणवत्ता जो है कुषाण वंश के शासकों में बहुत अच्छी आई, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी यही गलत है। तो हमसे गलत पूछा, हमने गलत बता दिया। और एक दिया है गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के लिए पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे, तो ये हमें पता नहीं है, ये भी सही होगा क्योंकि गलत एक ही है और तीन सही होंगे। तो इस हिसाब से अगर आपको एक कंफर्म, देखो ये टाइप में जो प्रश्न होते हैं ना, जो पूछता है हाँ कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आपको वही गड़बड़ी करता रहता है जो आप जानते रहते हैं। एक दो पढ़िए नहीं आ रहा है, तीसरा पढ़िए, चौथा पढ़िए, और आप एक आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो आप जानते रहेंगे, उसी में गड़बड़ी किया रहता है, फेमस जो जानकारी होती है। आगे बढ़े हम लोग 60 में। मेरे भाई कह रहा है गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था। तो गुप्त काल का जो प्रशासन हुआ करता था उसमें महादंडनायक चीफ जस्टिस यानी जो मुख्य न्यायाधीश होता था उसे कहा जाता था, जो यहाँ नाम भी है महादंडनायक, दंड का नायक जो है, तो चीफ जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, यही होगा हमारा। बहुत बढ़िया, 61 में देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित शासकों में से नागानंद एक नाटक था मेरे भाई, जो लिखा था हर्षवर्धन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और जो है बाणभट्ट, ऐसे करके उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी थी। तो नागानंद नाटक के लेखक कौन था, तो हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और चलें हम लोग आगे देखें 62 में क्या है। देखें इनमें क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघवर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है। अमोघवर्ष प्रथम के संबंध में कौन सा हमारा कथन सही नहीं है, तो आपको बता दें अमोघवर्ष प्रथम जो था राष्ट्रकूट वंश का शासक था, उन्होंने 64 वर्ष तक लगभग शासन किया था। तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था, मैंने पहले इसकी जानकारी दे दी। वह शैव मत का अनुयायी था, मेरे भाई गलत है, वह शैव मत का अनुयायी नहीं था, वह जैन धर्म का अनुयायी था। आप लोग पढ़ेंगे अगर इसके बारे में तो जैन धर्म का अनुयायी था, तो यही गलत है, और बाकी सब सही हैं। उसकी प्रसिद्धि पृथ्वी कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है, उन्होंने मालखेड़ नगर में राजपूत की राजधानी का निर्माण भी करवाया था, यह भी सही है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से प्रश्न पूछा है कौन सा नहीं है, तो बी नहीं है। 63 देख लेते हैं, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में है। तो तंजौर में जो बृहदेश्वर का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पर चार नाम दिया है, विजयालय, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम,
और राजेंद्र दिति, इन चारों नामों में से हमें बताना है किसने करवाया था। तो मेरे भाई राजा राम प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, तंजौर में बृहदेश्वर जो मंदिर है। तो ये इसलिए प्रसिद्ध है मेरे भाई, ये कहाँ है, ये तंजौर में बृहदेश्वर का जो मंदिर है यह चोल वंश के शासकों ने करवाया था द्रविड़ शैली में। आगे देखें 64 में क्या कह रहा है। देखें ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित होते थे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी कई एग्जाम में अलग अलग हिसाब से पूछा गया अलग अलग प्रकार से। तो ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित होते थे, तो यहाँ पर एक आपको उत्तर मिलेगा वृद्धजनों के द्वारा शासन। तो वृद्धजनों के द्वारा एक शासन होते थे, आपको मालूम होगा एक सभा और समिति नाम की दो परिषद होती थी, और परिषद में सभा और समिति नाम की दो ये होती थी, और सभा में ये बुजुर्ग लोग होते थे जो सीनियर लोग होते थे, वो सब दंड देना है प्रशासन इत्यादि से काम करते थे, शासन प्रशासन इत्यादि से जो काम होता था ये सभा करती थी। और सरकार यानी जो सरकार का जो शासन जो अपना पर्सनल काम होता था उसके लिए समिति काम करती थी। तो ये जो होगा ये किसके द्वारा शासित होते थे, वृद्धजनों के शासन के द्वारा। आगे बढ़े हम लोग 65 में देखते हैं क्या है। तो 65 में आपको क्या देखने को मिला, कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड की संस्कृति से संबंधित नहीं है। लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड की संस्कृति से कौन सा संबंधित नहीं है, तो ये बताना है हमें। तो देखें यहाँ पर आपको एक मिलेगा पहला में, इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यस बिल्कुल सही है ये, लेकिन हमसे गलत पूछा है। गलत क्या है, बी में कह रहा है कि चित्रित भूरे मृदभांड स्थलें पूर्वी यूपी बिहार निकटवर्ती इलाकों में स्थित। मेरे भाई सीधा सीधा गलत है, ये जो चित्रित मृदभांड है ये पश्चिमी यूपी तक ही था, पूर्वी यूपी तक नहीं था। जब पूर्वी यूपी तक नहीं था तो इसका मतलब ये बिहार में भी नहीं रहा होगा, पश्चिमी यूपी में था, इसका मतलब ये राजस्थान और पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र में रहा होगा। तो इसी क्षेत्र में था, पंजाब हरियाणा पश्चिमी यूपी राजस्थान। तो यही गलत दिए दिया है हमें, ऑप्शन नंबर बी यही गलत है, और बाकी सब सही हैं। इस युग के लोग लोहे के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, कई जनजाति समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है, सही है, लेकिन यही गलत था। आगे देखें हम लोग 66 में, देखें एक तरफ हमें दिया है उपनिषद और दूसरी तरफ दिया है उसका व्याख्या, उसकी व्याख्या के बारे में दिया गया है, उपनिषद के बारे में क्या क्या व्याख्या किया गया है उसे हमें जो है बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो अगले पेज पर है हमारा, तो अभी हम इससे पहले हम लोग थोड़ा सा मिला लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो देखें इसमें क्या है, ऐतरेय उपनिषद जो है यह आत्मा और चेतना की उत्पत्ति का विवरण प्रदान करता है। आत्मा और चेतना, हाँ यहाँ पर है, आत्मा और चेतना की विवरण प्रदान करता है। जो छांदोग्य है मेरे भाई यह मंत्रों की लय और जाप से संबंधित है, मंत्रों की लय और जाप से संबंधित। कठ जो है यह नचिकेता और यम की कथा से, कठ मतलब यहाँ कथा समझ लीजिएगा, नचिकेता और यम की कथा से। और बचा हमारा एक तेतो सीधा मुंडक जो है सत्यमेव जयते, आप लोग देखते हैं जो सत्यमेव जयते का प्रयोग किया जाता है हमारे देश में वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो इसका मतलब सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो इसका ऑप्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो ए का एक, बी का दो, सी का तीन, ये पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये वाला। आगे बढ़ें हम लोग 67 में, निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्रघात कहा जाता है। तो साथियों पहले अमित्रघात का मतलब समझ लीजिए क्या होगा, मित्र मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन, घात मतलब उसके साथ प्रहार करना मारना, यानी अपने दुश्मनों का विनाश करने वाला किसे कहा जाता है। तो बिंदुसार को, ऑप्शन नंबर बी जो है बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है, अमित्रघात का मतलब दुश्मनों का विनाश करने वाला। आगे बढ़ें मौर्य क्या है, 68 में, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों का एक वर्ग क्या कहा जाता था। तो मौर्य प्रशासन में मेरे भाई जो लोग लैंड टैक्स यानी भूमि कर को एकत्र करने वाले अधिकारी होते थे उन्हें एग्रोनोमोई कहा जाता था। क्या,
एग्रोनोमोई। 68 में हमारा उत्तर ये हो जाएगा। आगे चले हम लोग, अब देखते हैं क्या है। 69 बेसनगर, बेसनगर को विदिशा भी कहा जाता है। बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भगवान के रूप में वर्णित किया है? मेरे भाई हेलियोडोरस, हेलियोडोरस ने ही विदिशा में एक स्तंभ लेख लगवाया था और अपने भगवान गरुड़ के लिए जो है उनकी पूजा पाठ भी करता था। तो हेलियोडोरस ने बेसनगर यानी विदिशा में स्तंभ लेख का निर्माण करा था और स्वयं को भगवान के रूप में वर्णित किया। आगे देखें हम लोग 70 में क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मैनेंडर से संबंधित संबंध में सही है? तो कौन सा इंडो ग्रीक शासक मैनेंडर के संबंध में सही है, 70 में हमसे ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा सही है? तो देखें, उसकी राजधानी साकाल में थी। यस, उसकी राजधानी साकाल में ही थी, मैनेंडर के, सही है। दूसरा क्या रहा है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पंधो, मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक विवाद वाद विवाद है। तो यस मेरे भाई, यही है। आप लोगों ने मिलिंद पंधो देखा होगा, नागसेन और मिलिंद के बीच के जो है उसमें सारी बातें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 का, हमारा यही सत्य होगा उत्तर। आगे हम लोग देखें 71 में क्या है। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया? तो आपको कुषाण वंश के उस शासक का नाम बताना है जिसने अपने सिक्के पर स्वयं को माहेश्वर, माहेश्वर मतलब ये महेश, महेश मतलब शिव होता है, यानी जो शिव का पुजारी होगा वही ये सब काम करवाया होगा। तो इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर जो विम कडफिसस है, यहाँ कुजुल कडफिसस भी है, इसको कन्फ्यूज ना होइएगा। विम कडफिसस जो था ये स्वयं कुषाण वंश का शासक था और जो सिक्का चलाया उस पर माहेश्वर लगाया, क्योंकि यह शिव का बहुत बड़ा पुजारी था। आगे बढ़े हम लोग 72 में। गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित ये जो नासिक अभिलेख है ये किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृतिक भाषा में, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ा जाए हम लोग अब 72-73 में। देखें ये फैक्ट है, बढ़िया प्रश्न है जो है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो देखें, एक तरफ संगम युग में भूमि विभाजन ये दिया है और दूसरी तरफ भूमि के प्रकार दिया है। तो कुरुंजी, कुरुंजी क्या होती थी मेरे भाई, ये कहाँ मिलेगा? एक तरफ यहाँ कुरुंजी है, तो कुरुंजी हम लोग जिसे पहाड़ी भूमि जो होती थी उसे कहा जाता था, पहाड़ी भूमि। तो ये कुरुंजी ये कहाँ चला आएगा, ये इस पर चला आएगा। और दूसरा पालय, पालय क्या होता था मेरे भाई, पालय जो है वो मरुस्थल को कहा जाता था, रेगिस्तान को, ये यहाँ पर है मरुस्थल को। और मुल्लाई, मुल्लाई जो चारागाह होता था तो गांव की ज़मीन जो होती चारागाह उन्हें मुल्लाई कहा जाता था। और एक बचा है नेथल, नेथल क्या होता था, तटीय भूमि होती थी। तो इस हिसाब से हमारा कौन बन रहा है, मैंने मिला दिया है, तो मिला दिया तो आप लोग देख सकते हैं, ए वाला 2 पर चला आएगा और बी वाला आ गया 3 पर, और ए वाला 2 पर हमने मिलाया और बी वाला हमारा 1 पर आया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सेट बन रहा है 73 का। आगे बढ़े हम लोग, बढ़िया प्रश्न। तो हम लोग देखते हैं एक बहुत बढ़िया प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74 क्या है इसमें मेरे भाई, कह रहा है पांड्य साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये चीज़ को ट्रिक के द्वारा एक याद करने के लिए आप लोग याद रख लीजिए, पांड्य मतलब क्या, पानी, तो पानी में कौन रहती है, मछली। तो पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था मेरे भाई, याद रखिएगा। और चोल साम्राज्य जो था उसका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ था, चोल का बाघ, बाघ किसका था, चोल का। तो ये सब याद रखिएगा। और आगे आपको एक और मिलेगा वहाँ पर,
और ये चेर जो साम्राज्य था उसकी धनुष थी, धनुष किसका था, चेर का। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें काम आ सकती है, कहाँ से उठाकर पूछ ले आपसे। देखें मौर्योत्तर काल में श्रेणी थे, वो क्या थे श्रेणी मौर्योत्तर काल में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रेणी एक तरह के व्यापारियों का समूह था मौर्योत्तर काल में, ऑप्शन नंबर सी 75 का हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग 76 में। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, ये कई सारे एग्जाम में ये भी प्रश्न आया हुआ है, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। तो भारत का नेपोलियन उन्हें तो B.S. स्मिथ ने कहा था। अब बात आती है क्यों कहा था उसे, क्योंकि मेरे भाई ये जो समुद्रगुप्त था ये जो है इसकी एक साम्राज्य विस्तार करने की इसने नीति अपनाई कि हम युद्ध करेंगे और युद्ध को जीतेंगे और उसके बाद अपना क्षेत्र विस्तार करेंगे। तो युद्ध और विजय नीति इसकी बहुत अच्छी थी, इसी से प्रभावित होकर B.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को कहा था कि यह भारत का नेपोलियन है। नेपोलियन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या पूछा जा रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी, तो उस पुस्तक का नाम बताना है, कौन सी पुस्तक वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी। एक पुस्तक का नाम दिया है प्राकृतिक प्रकाश, पंच सिद्धांतिका, शिल्पशास्त्र, मंत्रशास्त्र, तो इनमें से कौन सी पुस्तक वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी मेरे भाई, तो पंच सिद्धांतिका, ये जो पंच सिद्धांतिका पुस्तक है ये वराह मिहिर के द्वारा लिखी गई थी। और वराह मिहिर कौन थे, आपको बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके नवरत्नों में से एक यही ये भी थे वराह मिहिर, बहुत अच्छा ये नॉलेज वाले थे वराह मिहिर, इन्हें मैथ और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित अच्छा ज्ञान था, यही पंच सिद्धांतिका नामक जो है पुस्तक इन्होंने लिखा था, ये जो है इसे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित। आगे देखें हम लोग 78 में क्या है मेरे भाई, बढ़िया प्रश्न है 78 में। अजंता की गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार, अजंता की गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे, तो यहाँ पर चार नाम दिया, बिंद शक्ति, हरिषेण, प्रवरसेन, रुद्रसेन, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, हरिषेण के संरक्षण में अजंता के शैलकृत गुफाओं के ये बौद्ध विहार जो था और चैत्य बनाए गए थे इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। देखें 79, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों पर, प्रभारों पर विचार कीजिए और उन्हें छोटी इकाई से बड़ी इकाई ओर तक व्यवस्थित कीजिए। तो मेरे भाई गुप्त साम्राज्य में जो प्रशासनिक उसका प्रभाग था उसके छोटे से बड़े में हमें सेट करना है। तो इससे आप लोग साथियों एक चीज़ ये जान लीजिए, सबसे बड़ी जो इकाई थी वो भुक्त थी साम्राज्य लेवल पर, किसके लेवल पर, साम्राज्य लेवल पर थी वो भुक्ति, और जो बड़े से थोड़ा सा कम था तो विशाख्य था, तो विषय था, और विधि और सबसे छोटा ग्राम हुआ करता था। तो इसके मान लीजिए सबसे छोटा ग्राम आएगा, ग्राम के बाद क्या आएगा हमारा, ये विधि आएगा, विधि के बाद क्या आएगा, विषय आएगा, विषय के बाद भुक्ति आएगा। तो इससे हमारा सबसे पहले 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 3, 1, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा सेट होगा। 80 में, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री है, मेरे भाई इनको कौन भूल सकता है, हम लोग भारतवासी हैं तो आर्यभट्ट को ज़रूर जानते होंगे, आर्यभट्ट प्रथम ने, तो यही जो है बीजगणित के जनक और भारत के पहले ज्ञात खगोल शास्त्री थे, इन्होंने ही पहले बताया था पृथ्वी अपनी धुरी पर गति करती है, ऑप्शन नंबर बी। 81 में, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाचंद्रपथों में से एक नहीं है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, हमें मालूम है बहुत ग्रंथों से पता चला कि भारत में 16 महाजनपद थे, और उन 16 महाजनपदों में एक और प्रश्न पूछा जाता है, 16 महाजनपदों में से 14 महाजनपद में राजतंत्र था और 2 महाजनपद में जो वल्ली और मल्ल,
यहाँ पर जो था ये मतलब रिपब्लिकन था, मतलब ये गणतंत्र। तो ये तो मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दिया। तो 16 महाजनपदों में से कौन सा एक नहीं है? तो मेरे भाई गंधार भी है, कंबोज भी है, पांचाल भी है, या कौशाम्बी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक वत्स था, वत्स महाजनपद था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये महाजनपद नहीं था, महाजनपद तो वत्स था लेकिन इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, तो इसमें राजधानी का नाम घुसा दिया, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। देखें 82 में क्या कह रहा है, घबराइए ना, प्रश्न लंबा देखकर, मिलान वाला है, बहुत बढ़िया होते हैं। महाजनपद में अधिकारी और संबंधित कार्य, महाजनपद में जो अधिकारी होते थे उनका कार्य क्या होता था, इसी को हमें मिला देना है। तो सबसे पहले हमें देखें यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ व्यवहारिक, व्यवहारिक क्या होता था मेरे भाई यहाँ पर, तो व्यवहारिक क्या थे, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, बहुत बढ़िया प्रश्न, मिलान वाला है, मिलान वाला हम लोगों का गलत नहीं होता है, थोड़ी सी जानकारी है फिर भी हम उत्तर को निकाल लेंगे। महाजनपद में अधिकारी और संबंधित कार्य, जो महाजनपद में अधिकारी होते थे हमें मिलाना है कि उनका संबंध किस कार्य से था। तो एक यहाँ पर साथियों हमें दिया है व्यवहारिक, ये व्यवहारिक कहाँ जाएगा, व्यवहारिक जो होते थे ये न्याय की से संबंधित इनका कार्य था, और सार्थक जो थे ये सामान्य मामले की जानकारी, जो सामान्य मामले से संबंधित इनका कार्य था, और ये गणक जो होता था मुख्य लेखाकार से, और भागदूत जो है यह भाग का संग्रह, भाग इसमें भी नाम है। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन नंबर बी बनकर तैयार हो गया ये वाला। आगे बढ़े हम लोग 83 में क्या है, तेलुगु कृति, तेलुगु कृति आमुक्त माल्याद, आमुक्त माल्याद क्या है, तेलुगु रचना है एक, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है, देवराय या कृष्ण देवराय, हरिहर, बुक्का, कौन है मेरे भाई? तो कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय विजयनगर राजवंश से संबंधित है मेरे भाई, आपको बता दें। यह तेलुगु महाकाव्य कविता है ये आमुक्त माल्या का, आमुक्त माल्यादा कृष्ण देव राय ने लिखा है। कृष्ण देव राय कहाँ से संबंधित थे, विजयनगर राजवंश से संबंधित थे। तो आगे हम लोग चलें, अब क्या है इसमें, तांडव नृत्य मुद्रा में, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई आप लोग देखे होंगे कई जगहों पर जो सूर्य एक शिव की जो मूर्ति तांडव के रूप में लगी है, नटराज की एक पैर पर खड़े होकर तांडव करते हुए, वो किस साम्राज्य से संबंधित थी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें यहाँ दिया है पांड, चेरा, पाल, चोल, इन चारों नामों में जो इसका उत्तर होगा चोल, चोल काल से संबंधित है, चोल साम्राज्य से संबंधित है शिव की वो जो नटराज की तांडव वाली जो है मूर्ति, तांडव मुद्रा में नटराज की जो मूर्ति है वो। आगे देखें 85 में, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है? तो बाणभट्ट मेरे भाई आपको बता दें हर्षचरित ये जो रचना है ये बाणभट्ट ने लिखा है, और पार्वती परिणय ये बाणभट्ट ने लिखा है, और ये मयूर शतक जो है ये मयूर ने लिखा है, और ये वाक्य पदी ये भी किसी ने लिखा है लेकिन ये बाणभट्ट ने नहीं लिखा है। तो बाणभट्ट ने जो लिखा है हर्षचरित और पार्वती परिणय, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये डी हो जाएगा, यही एक और दो बाणभट्ट ने लिखा है। देखें 86 में हमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक के मेरे भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न, इसमें आपको इतना आसानी से उलझाना चाह रहा है लेकिन आप उलझिएगा मत। देखें आमेर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण का उन्हें श्रेय दिया जाता है, किन्हें, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मेरे भाई सीधा सीधा आपकी आँख में धूल झोंक रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो आप लोग जानते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था और उसका पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया था, तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यह अजमेर में नहीं दिल्ली में, ये इसीलिए गलत हो गया ये,
तो हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो पहले सही नहीं है क्योंकि यह अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। अब बाकी यह हमें समझ में आ गया, हाँ हमारा उत्तर भी यही होगा, यही गड़बड़ी थी, और बाकी ये तीनों सही हैं अपनी जगह पर, इनको रट लीजिए। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था, मैंने पहले बताया इसका पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया। उन्हें लाख बख्श कहा जाता था किन्हें, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वह लाखों का दान करता था। हसन निजामी और फखरुद्दीन उसके शासनकाल में आश्रय प्राप्त वो जो लेखक थे। तो ये तीनों सही बातें हैं, यही गलत था। 87 क्या है? 87 में एकता प्रणाली, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसी पर बताना है हमें एकता प्रणाली के संबंध में। तो यह कृषि पर कर लगाने की एक प्रथा थी, एकता में बांट दिया जाता था पूरे क्षेत्र को, और जो है उस पर जो है टैक्स लगाया जाता था। तो ये जो 87 वाला हमारा जो ये प्रश्न है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एकता प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह कृषि पर टैक्स कर लगाने की एक प्रथा थी। यह सही बात है, 87 का पहला बात तो सही है, इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। नहीं मेरे भाई, गलत है। तो ये इल्तुमिश ने जो दिल्ली सल्तनत का जो इल्तुमिश था वो साम्राज्य को एकताओं में बांट दिया था। तो यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी, यह वंशानुगत नहीं था। आप सोच कर देखिए एकता क्या था, कि जैसे कोई सैन्य सेवा उसके यहाँ दे रहा है तो उसको पेमेंट देने की बजाय उसे एक क्षेत्र दे जाता था, तो इस क्षेत्र का जो राजस्व होगा आप वसूलिए, तो यही एकता था। तो ये वंशानुगत नहीं था, जो सेवा देता था उसी को केवल मिलता था, तो यह वंशानुगत नहीं था, ये गलत हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा, और बाकी सब सही हैं। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले राजस्व अनुदान दिया था, मैंने पहले ये बात बताई आपको। सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता करता था, यस। तो सब सही हैं, बी वाला गलत था। 88 देखें, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सिंपल सी बात, आप लोग सल्तनत पढ़ेंगे तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था, तो यहाँ पर खजरी दे दिया है, तो इसका सही नाम खिज्र खान था। तो आगे बढ़े हम लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, यही खिज्र खान। देखें 89 में क्या है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल। 89 में क्या हमसे पूछ रहा है? बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें, बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कुछ विचार करना है। वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार के अनुयायी था, यस उन्हीं का अनुयायी था, सूफी का, तो ये सब लोग आप पढ़े होंगे, तो इन्हीं का अनुयायी था। और दो में कह रहा है चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हमें मालूम है, पहले पानीपत का युद्ध लड़ा था दूसरे 1526 में, और 27 में वो जो है वो जो है वह खान तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाबर के संदर्भ में दो कथन दिया है और इसी से हमें वो है सही उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो देखें, वह नक्शबंदिया सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरहार के अनुयायी था, यस वह सूफी ख्वाजा का ही अनुयायी था, ये बात सत्य है। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के संबंध में लड़ा गया था। तो मेरे भाई यहाँ जो है डेट इसकी गलत दिया है, तो इसलिए यहाँ पर केवल जो है एक होना चाहिए उत्तर, क्योंकि चंदेरी का युद्ध पानीपत का उन्होंने लड़ा, फिर खानवा का लड़ा, चंदेरी का लड़ा, फिर घाघरा का, तो ये इसमें डेट गलत दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। आगे चले हम लोग 90 में, क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईशा खान मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो हुमायूं ने कहाँ करवाया था,
लाहौर में जमाली मस्जिद एवं ईशा खान मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये साथियों गलत है, तो हमसे गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए यही उत्तर होगा, गलत है, क्योंकि जमाली मस्जिद हुमायूं ने करवाया था। तो आप लोग को मालूम होगा हुमायूं ने दिल्ली में एक दीपनाह नामक एक नगर बसाया था, और वही दिल्ली में जमाली मस्जिद एवं ईसा खान मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था, लाहौर में नहीं रहता, यहाँ था लाहौर में क्यों जाएगा। तो यही गलत था, मैंने सही कर दिया, यही उत्तर होगा और बाकी सब सही हैं। शेरशाह ने रोहतास किला बनवाया था पाकिस्तान में, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है। शेरशाह सूरी का समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था, बाकी सब ये पढ़ लीजिएगा, ये सब सही है अपनी जगह पे। देखें 91 में अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के संदर्भ में कुछ दो कथन दिया है, उन्हीं कथनों पर विचार करके हमें उत्तर देना है। तो थॉमस रो उसके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ था, तो मेरे भाई गलत, सीधा गलत, उसके दरबार में रॉल्फ फ्रिज आया था। कौन? रॉल्फ फ्रिज। तो ये तो जो थॉमस रो आया था, इसके बेटवा जहांगीर के शासनकाल में आया था, तो ये गलत हो गया हमारा। उसका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था, तो मेरे भाई ये भी गलत है। उसका जो अंतिम अभियान था वो असीरगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, तो ये गोलकुंडा में नहीं बल्कि असीरगढ़ में था, असीरगढ़। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं, सही कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। 92 देखते हैं, सूची एक और सूची दो को मिला देना है। तो यहाँ पर देखें, इसका ऑप्शन जो है अगले पेज पर दिया है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि इसका ऑप्शन जो है उस साइड में दे दिया, तो इससे थोड़ी सी परेशानी होती है। चलिए फिर भी हम लोग लिखते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखिए, वाकिया नवीस, वाकिया मतलब एक तरह से डाकिया टाइप का है, जो खबरों को फैलाता था वो उससे संबंधित है। तो वाकिया नवीस समाचार विवरण करने वाला, समाचार वितरण करने वाला, समाचार से संबंधित था, समाचार फैलाने वाला। और दरोगा ए डाक, इसमें डाक शब्द है, तो इसका मतलब ये डाकिया से संबंधित होगा, संचार व्यवस्था से, तो यह संचार व्यवस्था से संबंधित था। और मुकद्दम, इसमें एक नाम है यहाँ मुकद्दम, मुकद्दम ग्राम का मुखिया, जो गांव का मुखिया होता था, जिसे हम लोग प्रधान कहते हैं, तो ये गांव का मुखिया होता था। और एक मुतसद्दी होता था, तो मुतसद्दी को बंदरगाह का जो गवर्नर होता था, उन्हें हम लोग मुतसद्दी कहा जाता था। तो इस हिसाब से इसका उत्तर जो होगा, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिए 92 का जो है वो कौन सा होगा। इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा सेट बन रहा है, ये वाला बी में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी शायद होगा, आप देख लीजिएगा। तो आगे चले हम लोग, यहाँ पर दिया है ना, उन्हीं सबसे है, मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। 93 में हम लोग थोड़ा देखते हैं, देखें इनमें से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है। तो बहुत सारे आपको ऐसे ही प्रश्न मिलते हैं, कौन सा सही नहीं है, तो ऐसे प्रश्न में वही गड़बड़ी करता है जो आप जानते रहते हैं। तो देखें क्या कह रहा था, इसका उत्तर क्या दे रहा है, अकबर के बारे में पूछ रहा है, अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो अकबर ने 10 साला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत किया था, तो मेरे भाई यही ये सही है। 10 साला मतलब क्या होता है, 10 मतलब 10, साला मतलब साल, 10 साल। तो आपको मालूम होगा अकबर ने जो 10 साला बनाया था, ये भूमि का राजस्व कितना होगा इसका निर्धारण करने के लिए अकबर ने 10 साला बनाया। 10 साला क्या था कि पिछले 10 वर्षों का जो पैदावार थी उसका औसत निकाल लेता था, उसी हिसाब से वह राजस्व को तय करता था, क्योंकि हर साल फसल कम ज़्यादा पैदा होती थी, तो 10 साल का पिछला रिकॉर्ड उसका औसत निकालता था, उसी हिसाब से राजस्व तय करता था। और चाचर भूमि प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी, नहीं मेरे भाई, चाचर में नाम ही है चाचर, तो चाचर को 4 वर्ष पर खेती की जाती थी, इसका टैक्स बहुत कम लगता था। आपको मालूम होगा जो उस श्रेणियों को, वो उस समय के अकबर की श्रेणियों में जो भूमि को बांटा जाता था, तो वो जो है 4 श्रेणियों, जैसे आप लोग को मालूम है पोलज ऐसी भूमि थी जो हर वर्ष खेती होता था, परती आती है, आप लोग गांव सुने होंगे परती,
परती में एक साल छोड़कर खेती होती है, यानी दो साल पर होती है। और एक आता है उसमें जो है चाचर, तो मैंने बता ही दिया। अब आता है बंजर। बंजर जो होता है वो 5-6 साल या उससे अधिक पर खेती होती है। तो आप लोग याद रखिएगा, चाचर 4 साल, बंजर 2 साल, बंजर 2 साल नहीं 5 साल के ऊपर जो परती होता था वो 2 साल। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। 94 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यही आपको बताना है। देखें, गोविंद देव मंदिर सीधे दिया है मेरे भाई। गोविंद देव मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में वृंदावन में है। तो यही गलत है। यहाँ पर नासिक तो मुंबई में है, ये कहाँ से हो जाएगा। तो यही गलत है और गलत ही हमारा उत्तर मांग रहा है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में, पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। तो हमने ये बता दिया आपको, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो एक तीर्थ लोक स्थल है आपको बारूम है वृंदावन, इसका निर्माण जो है उस समय जो है गोविंद देव मंदिर का 10 करोड़ में हुआ था। 10 करोड़ में किसने करवाया था, कभी कभी 1590 में इसका कब हुआ था, 1590 में हुआ था। तो किसने करवाया था, मान सिंह कितने में, 10 करोड़ में। आगे बढ़े हम लोग 95 में, किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। आपको मालूम है साथियों, बाबरनामा बाबर का एक जीवनी है जो बाबर ने खुद तुर्की भाषा में लिखा था। आपको पूछा जाता है कि बाबर का जो बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया, तो तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा गया है बाबरनामा। तो किसने इसको फारसी में अनुवाद किया आगे चलकर, तो आपको बता दें तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, जो है बैरम खान का बेटवा था और बहुत बड़ा ये नॉलेजेबल व्यक्ति भी था, तो इसने ही। और आपको ये अब्दुल रहीम खान ए खाना का एक ख़ास बात है, ये था तो मुस्लिम लेकिन कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा पुजारी था ये खान ए खाना, बैरम खान का बेटवा था। बैरम खान वही अकबर को जो पाले पोसे थे, ट्रेंड किए थे। तो यही जो है अब्दुल रहीम खान ए खाना बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया। आगे बढ़े हम लोग 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं कथनों पर विचार करना है हमें, विचार करके हमें एक सही और सटीक उत्तर देना है। तो चले हम लोग अपने प्रश्न पहला पढ़ते हैं। डोमिंगो पायस होना चाहिए, पेस लिख दिया है। तो डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल दौरान भारत आया। जी बिल्कुल, डोमिंगो पायस राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था, पुर्तगाली व्यापारी था ये डोमिंगो पायस। ये क्या है, फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया है। जी दोनों के दोनों कथन हमारे यहाँ 96 में सही हैं। तो ऑप्शन नंबर देखने के बाद हमारा कौन होगा, सी सही होगा। अब देखें हमारे 97 में क्या है, बढ़िया प्रश्न है। सूफीवाद में सूहर का अर्थ क्या होगा। तो सूहर का अर्थ मेरे भाई सहिष्णुता का पालन करना, टॉलरेट, सहिष्णुता का पालन करना, यही सूहर का अर्थ है सूफीवाद में। तो आपको सूफीवाद में बहुत सारे शब्द यहाँ पर मिल जाएंगे, भय का प्रतीक होता है और ये सारे यहाँ पर बहुत शब्द हैं। तो आप अगर इसका एक एक सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कई कई सारे एग्जाम में एक एक शब्द यही देकर पूछे गए हैं। तो आगे हम लोग, भय का प्रतीक को खौफ कहा जाता है, भय का प्रतीक को खौफ, ऐसे ही हैं। तो गरीबी को क्या कहा जाता है, फक्र। तो ऐसे ऐसे शब्दों का आप खोज लीजिएगा, जैसे सुहर को सहिष्णुता का पालन करना, ऐसे गरीबी को फक्र, भय को खौफ, ऐसे। तो मोक्ष को रिजा। आगे बढ़े हम लोग अब 98 में देखते हैं। देखें इसमें क्या है मेरे भाई, बढ़िया सवाल है। मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में, मराठा का जो स्थानीय और प्रांतीय लेवल का जो प्रशासन था उसके संदर्भ में आरोही क्रम में हमें सेट करना है, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मेरे भाई
सबसे बड़ा प्रांत होता था, प्रांतीय लेवल पर था, तो प्रांत ही सबसे बड़ा होगा, ये तो है। और सबसे छोटा मौजा, मौजा को मिलाकर परगना, परगना के बाद तरफ, ढ प्रांत, उसके बाद प्रांत। ऑप्शन नंबर ए 98 का हमारा यही होगा, सबसे छोटा मौजा, उससे बड़ा परगना, उससे बड़ा ये तरफ, ढ प्रांत, उसके बाद प्रांत, प्रांत सबसे बड़ा, क्योंकि आरोही में पूछा है, आरोही में छोटे से बड़े हमें जाना है। ये देखें क्या है, ये यहाँ एक दिया है मोदी लिपि। मोदी लिपि क्या होता है भाई? ये मोड़ी लिपि होता है मराठी भाषा में, मोड़ी, यहाँ पर गलत लिख दिया है, टाइप किया होगा तो मोदी ही आ गया होगा। तो मोड़ी लिपि का उपयोग निम्नलिखित दस्तावेजों में किया गया है, तो कहाँ किया गया है मोड़ी लिपि का प्रयोग, किन दस्तावेजों में किया गया है, इसे बताना है। तो मराठा है तो मराठा में ही किया गया होगा, मराठा दस्तावेजों में प्रयोग किया गया है। मोड़ी का मतलब है मुड़िया, मतलब तोड़ मरोड़ देना। आगे देखें 100 का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान, एक तरफ विद्वान दिया है और दूसरी तरफ दर्शन दिया है उससे संबंधित, कौन सा विद्वान और दर्शन बेमेल है, यानी मिसमैच है, उन्हें हमें वही बताना है जो सही नहीं है। तो शंकराचार्य यहाँ पर अद्वैत होगा, बिल्कुल सही है, तो सही है। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद, ये भी सही है। निम्बार्क द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, ये भी सही है। गलत मेरे भाई यहाँ है वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद हैं, शुद्ध द्वैतावाद, तो यहाँ पर ये केवल द्वैत लिखा था इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी यही गलत था। तो 101 में हम लोग देखते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बहुत देरी बाद आया सही, अब तक तो नहीं है, नहीं है आ रहा था, तो कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो देखें पहले में क्या करा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों की हार के साथ समाप्त हो गया था। मेरे भाई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों की एकदम से हार नहीं हुई थी, अंग्रेज़ जब हारने की करार पर आए तो एक मैसूर की संधि कर लिए थे, तो ये इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने हैदर अली को पराजित किया, तो ये भी जो है सही नहीं है। आंग्ल द्वितीय युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने हैदर अली को पराजित किया, तो पराजित नहीं कर पाए थे, ये भी गलत है। सी में क्या कर रहा है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर सी, और बाकी सब गलत है। ये सही हो गया तो इसका मतलब सब गलत ही होंगे। आगे चलें हम लोग, देखें 102 में युद्धों को पर विचार करके उन्हें जो है एक ऑर्डर में सेट कर देना है। तो पिंडारी का युद्ध, तो पिंडारी का युद्ध आप लोग को मालूम होगा, ये 1818 के आसपास हुआ था, ये पिंडारी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था, आप लोग को इस तो बहुत फेमस है, ये तो मालूम ही होगा। तो 1757 को रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व में हुआ था ये प्लासी का युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से शुरुआत हुआ था लगभग इसका, ये भी हो गया। तो इस हिसाब से आप लोग देखेंगे अर्काट युद्ध इसमें एक दिया है, ये जो अर्काट युद्ध दिया है जो है इसमें, तो ये लगभग 1751 में हुआ था, कब 1751 में। तो आप लोग एक चीज़ आप लोग नोटिस किए होंगे, जो पिंडारी युद्ध है यह सबसे बाद में हुआ था 1818 में, बाकी सब 1700 के अंदर ही हैं, मतलब 1800 के अंदर ही हैं, तो ये 1800 के बाद है। तो जिसमें एक अंत में होगा वही हमारा उत्तर होगा, तो देख रहे हैं एक में यही नंबर एक पिंडारी वाला सबसे अंत में है, तो यही हमारा उत्तर होगा, आँख मूंद कर आप लगा दीजिएगा, तो यही आपका उत्तर होगा। चार पहले आएगा, सबसे पहले ये घटना चार वाला हुई थी 1740 कर्नाटक वाला, उसके बाद दो वाला 51, उसके बाद 57, फिर ये क्या है अब देखते हैं। सिख आंदोलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न, कई सारे फैक्ट आपको यहाँ सीखने को मिलेगा सिख आंदोलन के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं। तो कह रहा है गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी जिसे अमृतसर कहा जाता है। नहीं मेरे भाई, गुरु अर्जुन देव ने जो पांचवें सिख गुरु थे वो
अमृतसर की स्थापना उन्होंने की थी, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, गुरु नानक नहीं होगा। गुरु नानक ने एक जो होता है लंगर, जिसे सामुदायिक रसोई कहा जाता है, गुरु नानक इसकी स्थापना किए थे और इसका गुरु अंगद नहीं किए थे। तो गुरु नानक लंगर की स्थापना किए थे, सामुदायिक रसोई वाला, और ये अमृतसर वाला ये अर्जुन देव, और यहाँ पर अर्जुन देव दे दिया है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि का मानकीकृत लोकप्रिय बनाया, तो ये भी गलत ही है। तो इन्होंने नहीं बनाया था इसे, गुरु अंगद ने बनाया था, ऊपर वाला जो लिखा है अंगद ने। तो ए का मतलब तीनों ये गलत थे, तो आँख मून कर लगा दिए यही सही है। गुरु हरगोविंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी, ये बात सही है। देखें 104 में शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत क्या था। सर ए नौबत क्या था शिवाजी के ये जो शासनकाल था, सर ए नौबत क्या था, इसमें कई सारे नाम आपको दिए गए हैं, सैन्य कमांडर, महालेखाकार, प्रधानमंत्री, पूर्व में से कोई नहीं, तो सैन्य कमांडर सर ए नौबत था। तो आगे बढ़े हम 105 में क्या है, निम्नलिखित बंगाल के निम्न नवाबों में से किसने मुग़ल सम्राट को टैक्स देना बंद कर दिया था। तो मेरे भाई यही अली वर्दी खान ने। अली वर्दी खान एक ऐसा जो है बंगाल का नवाब था जो मुग़ल सम्राट को टैक्स देना बंद कर दिया था। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा आप समय देंगे तो कुछ सीखेंगे। जब मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हुआ तो कई सारे जो है राज्य जो है उत्तराधिकारी राज्य बन गए, यानी मुग़ल छोड़े उसके स्थान पर कोई दूसरा लोग शासन करने लगे जो उत्तराधिकार के आधार पर। और कई ऐसे शासन बने जो स्वतंत्र थे, जैसे राजपूत, मराठा, ये सब वहाँ स्वतंत्र हो गए। और कई ऐसे थे जो वहाँ पर नवीन नए नए राज्य स्थापित हुए, तो इस हिसाब से वहाँ पर चीज़ें बनी। तो कह रहा है तो कौन सा उत्तराधिकार में नहीं था, तो जबकि हैदराबाद उत्तराधिकार में था, अवध था, बंगाल था, तो मैसूर मेरे भाई ये उत्तराधिकारी में नहीं था, ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा यही। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऐसे जो देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिल जाएगी। और नए राज्य जो स्थापित हुए थे, जैसे सिख, मराठा, जाट, ये सब नए राज्य और स्वतंत्र राज्य में आपको मैंने पहले बताया कि राजपूत और मैसूर के साथ साथ राजपूत भी था। आगे बढ़े हम लोग 8वें में, निम्नलिखित में से नागालपुरम का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बढ़े हम लोग, अब देखें 9 में, गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राज्य का शासन था। तो यहाँ पर एक लोग जानेंगे इसमें या इसी में कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों में से उत्तर होता है, लोग इन्हीं दोनों में से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी होते हैं। तो क्या था मेरे भाई, ये कुतुब शाही राजवंश, ऑप्शन नंबर बी यही उत्तर है। देखें 110 में, 110 में क्या है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में आपको कथन दिया है और कह रहा है कौन सा सही है, तो वही हमें बताना है बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में। तो देखें पहला पढ़ेंगे तो अलाउद्दीन बहमन शाह के प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप अपनाया, यस बिल्कुल सही, बहमनी साम्राज्य से संबंधित सही है। दूसरा क्या है, दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वेधशाला बनाई गई थी, यस ये भी सही है। तो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर प्रश्न सही हैं, तो 110 का हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यही उत्तर होगा। तो साथियों यहाँ पर 110 50 हमने पहले क्लास में देखा था, और उसके बाद यहाँ पर 60 क्वेश्चन हमने इस पार्ट में देखा। इसके बाद हमारे जो करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न हैं, और वो करंट अफेयर वाला हम लोग एक ही वीडियो लेंगे और उसमें सबका करंट अफेयर एक ही में कंपाइल करके उसे हम बनाएंगे, जिससे आपका कंसंट्रेशन एकाग्रता बनी रहे करंट अफेयर्स में। तो हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में। अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो जियोग्राफी के आएगा,
जियोग्राफी से संबंधित रहेगा, सभी के सभी प्रश्न जियोग्राफी के रहेंगे, जिस तरीके से ये था उसी तरीके से। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।